बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इब्राहिम टीवी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे आजकल सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो इस वजह से आज का टॉपिक है सोशल मीडिया इंग्लिश अल्फाज। ठीक है, वो अल्फाज जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल या कहीं पे भी लोग कमेंट करते हैं LOL। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉफ आउट लाउड। लॉफ आउट लाउड, जोर जोर से हंसना। अगर आपने कोई फनी बात की है तो अगर ये कमेंट आता है तो इसका मतलब है कि अगला बंदा बहुत जोर से हंस रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज BTW। BTW, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बाय द वे। बाय द वे, बाय द वे, वैसे, इसका मतलब है वैसे। OMG, OMG स्टैंड्स फॉर ओह माई गॉड। ओह माई गॉड, ओह मेरे खुदाया, ओह मेरे खुदाया। नेक्स्ट वर्ड इज IDK। आई डोंट नो। आई डोंट नो को अगर आपने शॉर्टली लिखना है तो आप लिखेंगे IDK। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड इज FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी इतला के लिए। नेक्स्ट एब्रिविएशन इज ILY, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। एंड द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज IDC, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। FAQ तब लिखा जाता है जब हम कहना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। FAQ का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे गए सवाल। नेक्स्ट वर्ड इज HBD, हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।